दूसरा पॉइंट, उसके पीड़ित यहां भी बहुत होंगे, ये परल कंपनियां, चिटफंड कंपनियां जो कहते हैं ना आपको कि आप पैसे दे दो दुगने कर देंगे तिगने कर देंगे, एक परल कंपनी है, यहां भी परल पीड़ित बैठे होंगे। पूरे देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पैसे मार गए, वो लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली क्योंकि पैसे लग गए सारे। हमने पंजाब में फैसला लिया है, जितनी पर्ल कंपनी की और जितनी भी और चिटफंड कंपनियां हैं उनकी पंजाब में जमीनें हैं, जायदादें हैं, शोरूम हैं, जो भी प्रॉपर्टी है उसको सरकार अपने कब्जे में लेगी और उसको नीलाम करके लोगों का पैसा उनको वापस करेंगे। हम ये कर रहे हैं पंजाब में। मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था जब मैं एमपी था, तो जेटली साहब थे उस समय वित्त मंत्री, तो उन्होंने कहा जी वो अंदर है, वो पर्ल कंपनी का मालिक जेल में है। मैंने कहा जी उसको जेल में करने से लोगों को क्या फायदा हुआ, लोगों को पैसे वापस दे दो, उसको चाहे भरी कर दो, हम क्या करेंगे उसका जेल में, क्या पता नहीं जेल में भी सारी फैसिलिटियां मिलती होंगी उनको, तो वो तो जेल में भी टेनिस खेलते होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर नीयत अच्छी हो सब कुछ हो सकता है।